हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द इवनिंग ऑफ टुडे। आज है राखी से एक दिन पहले का दिन, अभी शाम को 6 बजे। तो जैसे कि आपने आज देखा ही था कि आज हमने गाड़ी धोने की बहुत ट्राई करी। इनफैक्ट हमने आज दोनों गाड़ियां धो दी अपनी, सफारी को और ईटीओज को, दोनों को ही मैंने मतलब आज सर्फ सुर्फ लगा के, कहते हैं ना बहुत ज़्यादा दिल लगा के धोया, तो मैंने बहुत ज़्यादा दिल लगा के धोई आज। इसका रीज़न ये नहीं है कि मेरे को गाड़ी जो है धुली हुई नहीं मिलती, या फिर मेरे पास गाड़ी धोने वाला नहीं है, या मैं गाड़ी की वॉशिंग नहीं कराता हूँ। मुझे ना गाड़ी का शौक है, मेरे को बड़ी क्रेविंग होती है गाड़ी को मतलब अपने हिसाब से मेंटेन करने की, क्योंकि शुरू से गाड़ियाँ रखी है तो धोने वाला भी रखा है, लेकिन एक होता है कि महीने दो महीने में ना एक बार गाड़ी पूरे अपने हाथ से आप साफ कर लेते हो, तो आपको बहुत ही मतलब अच्छी वाली फीलिंग आती है। आपको पता होता है गाड़ी कॉर्नर कॉर्नर के अंदर भी डस्ट पार्टिकल्स टाइप की चीज नहीं है, बिल्कुल क्लीन है गाड़ी। बहुत देर मुशक्कत करने के बाद सिद्धार्थ और मैं दोनों लगे हुए थे, आपने देखा ही होगा, पानी डाल रहा था और मैं उसको कपड़े साफ कर रहा था। और आज उसको साफ करने का जो रीजन था वो ये था कि बरसात हो रही थी, बूंदाबांदी चल रही थी सुबह से, तो उस टाइम हमें गाड़ी धोने में बेनिफिट ये हो जाता है कि एक तो हमारा पानी वेस्टेज नहीं होती बहुत ज्यादा, सेकेंडली क्या है कि आप ना उसको शैम्पू कर सकते हो गाड़ी को। तो मैंने आज उसको अच्छे से कार वॉश दिया है, शैम्पू शैम्पू करके बढ़िया तरीके से चमकाई है प्रॉपर। आज दोनों गाड़ियां बहुत अच्छे तरीके से साफ हो गई है। मीनवाइल क्या हुआ कि कल है राखी और वाइफ जो है अभी गई है राखी लेने के लिए मार्केट, और आज जब वो ऑफिस से आई थी, देखो आ गई है, दीदी आ गई है राखी लेके, राखी लेने गई थी साथ, बहुत महंगी राखी बता रही तो आज सुबह आते हुए मेरे रिश्ते को ले आई है, आज वो हमारे साथ ही रुके हुए हैं। तो अभी हमने रात को प्लान किया है कि आज हम शाम का डिनर करेंगे बाहर, तो अभी प्लान नहीं हुआ कहाँ जाएंगे, बाहर जाके डिसाइड करेंगे क्या खाना है। तो अभी चलते हैं मार्केट और चल के देखते हैं कि क्या प्लान बनता है, फिर उसको किसी तरह रखे रखे आएंगे। चुको मैं भाई, फाइनली अपन निकल लिए हैं मार्केट के लिए, और प्लान ये है कि मिठाई लेके आनी है और क्या लेके आना है। अच्छा सुनो, क्या टिक्की खाने चले वाले क्या? चलो फिर डोसा खाते हैं। 9 सेक्टर में है नाइटू की शॉप जो कि बनाता है साउथ इंडियन डोसा, पार्टी चल रही है। रिचु आपने कौन सा मंगाया मुझे भाई? आपने खाना हो तो आ जाओ सेक्टर 9 नाइटू के ऊपर, खा रहे हैं हम लोग। अकेला मैं बच गया खाने के लिए, और बाकी सारे सिस्टर और बच्चे खा के जा चुके हैं, तो मैं थोड़ा लेट आएगा, तो बस अभी फटाफट फिनिश करता हूँ। वो नीचे मार्केट में ही है, कोई शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, तो चलता हूँ। मैं भी आधा डोसा बचा हुआ था वो भी मुझे खाना पड़ रहा है, और एक डोसा तो मैं अपने से खा चुका हूँ। आज का डिनर हमारा डोसा ही था, मार्केट से अभी कोई लेनी है, कल का तो हो गया। अभी बच्चे जिद कर रहे हैं झूला लेने की, देखो अपनी करना ले रहे हैं। अब इनको खाना खुना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, खाने से कोई लेना देना नहीं है, मेन तो झूले। ये देखो छोटा बच्चा कैसे झूला ले रहा है। सिद्धार्थ भैया क्या कह रहे हैं, सीधे बैठो। हेलो 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 हेलो, इनका यही है वो जब भी बाहर आते हैं तो झूल रहे झूले, और वाइफ और सिस्टर कर रही है शॉपिंग। अगर आपको भी अपने बच्चों को लेके घुमाने आना हो, या फिर डोसा खाना हो, या कुछ खाना पीना करना हो, तो यार 9 सेक्टर के मार्केट में आ सकते हो, रेडी मार्केट में। और ये यहाँ पे शॉप भी लगी हुई है खाने पीने के लिए, अगर आप खाने पीने का सामान चाहिए, पाव भाजी और सूप वगैरह, या फिर चाप या पनीर टिक्का वगैरह, सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे। सही है, सस्ते में काम चला जाता है यहाँ पे, वॉक अवे हो जाता है, खाते खाते अपना घूम लो और घूमते घूमते खा खा पी के हो गए फ्री, और वापिस जा रहे हैं घर। और अब तो दोनों खुश हैं, खाने वाले भी खुश हैं, और ये झूले वाले भी खुश हैं। अच्छा अभी कौन सा लिया था, जो लिया था वो कौन सा था, और जो चाहिए था वो कौन सा था? पिंक वाला। दोनों पिंक वाले हैं ना, पिंक ही हो ना। वापिस घर पे इवनिंग स्पेंड करके सिद्धार्थ तो राखी के पीछे पड़ा हुआ। बताइए कौन सी राखी लेके आए? ये भीम की राखी लेके आए, और ये देखो ये चीज बनाई अपने भाई के लिए हैंडमेड राखी, तो मुझे तो ये वाली सबसे ज्यादा अच्छी लगी। कल यही बांध देगी तेरे को भाई, अंधे में आएगी अपने हाथ। कल ने तो नहीं बांध देना, तुम्हारी बहुत सारी लाई है इतना बड़ा। तो चलो गाइस कल मिलते हैं फिर राखी पे। अभी आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, आज का दिन बहुत लंबा था, बहुत हेक्टिक था, बहुत लंबा हेक्टिक थकावट वाला। बाय, थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। गाय तो बोल, गरम है थोड़ा। ठीक है जो है, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, है? ठीक है क्या? ठीक है? ये काम अपने कैसे करते हैं बच्चे, देखते हैं कि देखो।